सारे के सारे टेक्सचर की क्रमलिंग। सेकेंड टाइम आऊँगी तो फिर नेक्स्ट ब्लॉग बना लूँगी डर्ट्स की क्रमलिंग का। इसको खुद ही फ्लोर पे क्रम्बल कर रही हूँ कि फिर उठा कर टप में ना शिफ्ट कर लूँगी। बहुत मज़ा आया मुझे इसको क्रम्बल करके। ठीक है जनाब, अब आ जाओ थोड़ी सी ना प्योर मड डर्ट की क्रम्बलिंग करते हैं और रेड मड डर्ट की क्रम्बलिंग करते हैं। ये बच्चों ने भी बड़ा तंग किया हुआ है, गंद फैलाते रहते हैं आगे, अपने घर से फेंकते हैं हमारे घर तक आते हैं। ओहो मेरा मोबाइल फ़ोन टूट गया यार, इतना प्यारा बना था ये।
मैं पड़े कर दूँ, इसकी क्रम्बलिंग करते हैं। मेरा तो दिल चाह रहा है मैं सारे की क्रम्बलिंग कर दूं, इतना मजा आ रहा है मुझे। इसको देख के और इसको क्रम्बल करके ना एक अलग से सेटिस्फेक्शन मिलती है सच में। जो ख्वाब आप जिम चौक को क्रम्बल करने का देखते हो ना, इसको क्रम्बल कर लो ना, एक ही बात है। ये देखें, आगे मामा ने इसका पेस्ट बना के रखा हुआ है, ये देखें ना, इसको भी मैं इधर रख देती हूँ। ये इधर का पेस्ट है। और हम आते हैं जी प्योर मड की डर्ट की तरफ। इसका ना जगह बनाऊं ताकि जहाँ पे हम क्रम्बल करें ना, फिर वहाँ से इजीली टेक्सचर को उठाया जा सके। ऐसे बर्तन शुरू धुल लें। इतना मज़ा आ रहा है, मैं दिल कर रहा है बस करती जाऊँ क्रम्बल। इसको हाथ नाजुक हाथ लगाने को जो होता है, दिल चाहता है कि बस नाजुक नाजुक हाथों से क्रम्बल करें इसको। ये ज़्यादा सारी मैंने प्योर मर्डर की क्रम्बलिंग आप लोगों के लिए स्पेशली की है। आई नो मर्डर की क्रम्बलिंग देखने का अलग ही मज़ा है और करने का भी सच्चे। और ये डेडिकेट टू ऑल ऑफ यू जो मर्डर की क्रम्बलिंग को पसंद करते हैं, क्योंकि आई नो मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही आप लोगों के सामने सारी सिचुएशन, तो फिर मैंने कहा चलो क्यों ना ब्लॉग में आप लोगों के लिए जो है ना वो हर उस टेक्सचर की क्रम्बलिंग करते जो आप लोगों का फेवरेट है।
सो जनाब आई थिंक सो काफ़ी है व्लॉग, ठीक है। तो बाकी जो पिक्चर्स है ना वो चारपाई के पीछे पड़े हुए हैं, तो फिर उसको उठाऊँ, हिलाऊँ, चलाऊँ, ये करूँ, वो करूँ। हाँ, मेरा एक ये वाला ये रह गया, इसको मैं रात को बैठी बैठी क्रम्बल कर रही होती हूँ। ये प्योर मर्डर्ड है, ठीक है जनाब। किसी ने रिक्वेस्ट किया कि आप एक स्टेप बनाएं जिसमें आप पहले मर्ड को लाएं, मर्ड को उसमें भिगोएं, देन फिर उसको मतलब कि सारा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप करें और फिर बाद में ड्राई करके भी उसमें दिखाएं ना। तो ठीक है जनाब, उसके लिए भी करेंगे, लेकिन आगे आ रही हैं सर्दियाँ, तो देखती हूँ अब कब होता है कब नहीं। अगर तो नहीं होगा फिर इंशाल्लाह गर्मियों में, ठीक है। ये मैं ना रात को बैठ के करूँगी, इसको मैं भी तोड़ देती हूँ। ये मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए रखा हुआ है, ये हार्ड टेक्सचर मुझे क्रम्बल करना पसंद है। ज़रा पीसीस में कर दूँ ना, फिर वैसे बहुत ज़्यादा हार्ड टूटता नहीं है ये मेरे से। ये फिर इस तरह करके तोड़ती हूँ ना, बड़ा मज़ा आता है मुझे। ये टेक्सचर बनने वाला ग्रिटी गोल्ड टेक्सचर, ठीक है, इसको भी बना ही लेंगे। बाकी हमारे पास ये वाला टेक्सचर है एक जनाब, इसकी भी हम क्रम्बलिंग कर लेते हैं तुहाडे लिए। सही है जनाब, करते हैं ब्लॉग को यहीं पे एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। टेक केयर, बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्ला।